हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। नमस्कार आप सभी को। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप बात करते हो यूपी टीईटी को लेकर के, जैसा कि अभी आपका यूपी टीईटी 2019 और ऐसे में आप डीएलएड वालों को सबसे बड़ी जो असमंजस हो रही है इस बात को लेकर के, या इस बात में दुविधा है कि जो आपका पेपर टू जो आपके लैंग्वेज टू होती है उसमें वो सिलेक्शन किस सब्जेक्ट का करें, किस सब्जेक्ट को चुने। आपका अंग्रेजी को लेकर के बात हो गई और खासकर आपका जो संस्कृत है, भाई उर्दू वाले हैं तो वो तो उर्दू लेंगे ही आपका, ठीक है, उनको उर्दू जो है उनका तो अलग ही हो गया आपका। लेकिन जो दिक्कत होती है वो है संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर के। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो लेक्चर है यूपी टेट का डेली शाम को 5 बजे आता है। आपका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, वहां पर जाकर के देख सकते हो। शाम को 7 बजे प्रत्येक दिन लाइव क्लास होती है यूपी टीईटी को लेकर के। आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं। जब आप बात करते हो संस्कृत को लेकर के, काफी ज्यादा सवाल थे आपके कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए और अंग्रेजी में, तो सबसे पहले ओवरऑल मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर बात होती है चूज करने को लेकर के या कुछ भी जो भी है, तो एक चीज कही जाती है कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी आप में कैपेसिटी है, क्षमता को लेकर के बात करो या जो भी चीजें हैं, कोई ऐसे में नहीं पहचान सकता। एक शिक्षक भी ऐसे उसमें पूरी तरीके से नहीं पहचान सकता कि आप में क्या कुछ खूबियां हैं। तो सबसे पहले तो चीज यही हो गई कि आप जो है किस सब्जेक्ट में कितने सक्षम हो, कितनी अच्छी तरीके से आप उसके क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, वो सबसे बेस्ट चीज होगी। रही बात सर कि कैसे जो है हम अपने आप को जांच करें या जांचें कि हाँ भाई ठीक है कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, या अपने आप को अपनी खूबियों को कैसे पहचाने, तो आपको मैं बता दूं जब आप बात करते हो हिंदी और संस्कृत को लेकर के, तो संस्कृत और हिंदी में एक तरीके से समानता या ऐसे उसमें यही देखने को मिलती है कि यूपी टेट का जो पेपर है वो आपका हिंदी में आता है, सीटेट वाला संस्कृत में आता है ना। तो उसमें क्या है, सीधे सीधे पूछ लेता है, स्वराह कति लिख दिया, स्वर कितने होते हैं, ऐसे करके उसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखा होता है। फिर ऑप्शंस में सीटेट की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी टेट में हिंदी में ही लिखा होता है आपका और हिंदी में ही आपको जो है वहां पर ऑप्शंस होते हैं और आंसर देने होते हैं। हिंदी में क्या मतलब, आपको फिर उसमें टिक करना होता है। रही बात आपका जो दूसरी चीज ये है कि जो हिंदी सब्जेक्ट है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, संस्कृत से कहीं ना कहीं से उसका उद्भव निकलना उसका, ठीक है, विकास होना, तो आप साहित्य को लेकर के वहां पर बात करो, या फिर आप जो लेखक रचनाओं वाली उसमें जो बात आती है, या फिर आप व्याकरण को लेकर के बात करो, रस छंद अलंकार हो गया आपका, तद्भव आपका तत्सम है, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से जो है मेल खाते हुए मिलेंगे, मतलब संस्कृत का हिंदी में, हिंदी का संस्कृत में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो, और जो रही बात अंग्रेजी की, अभी ओवरऑल मैं बता दूंगा कि हिसाब से क्या सही होगा क्या नहीं और आपको कैसे क्या चूज करना चाहिए। इंग्लिश को लेकर के बात की जाए तो भाई अगर बहुत अच्छी आपकी अंग्रेजी है, अनसीन पैसेज वगैरह अगर आप सही से पढ़ पा रहे हो, कर ले रहे हो, नाउन प्रोनाउन जानने से या केवल एडवर्ब एडजेक्टिव आप समझ गए थोड़ा सा, तो उससे आपका फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा और जानना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आप रीडिंग जो कैपेबिलिटी है और सारी चीजों को लेकर के कितनी जल्दी से चीजों को आप जो एनालाइज कर पा रहे हो और बाकी बातें, तो वहां पर आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश में मैं समझ सकता हूं काफी स्टूडेंट हैं जो खासकर डीएलएड से, तो हाथ तंग होता है ऐसे उसमें, लेकिन संस्कृत और हिंदी में आप ज्यादा कैपेबल होते हो सवालों को करने को लेकर के। तो यहां पर ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आप इंग्लिश वाला और जो संस्कृत वाला है दोनों को उठाइए, उसमें आप देखिए कि आउट ऑफ 30 आप कितने सही कर पा रहे हो, ठीक है, पता लग जाएगा। एक पेपर से अपने आप को एनालाइज मत करिए कि आपने भाई ठीक है 18 उठाया और ठीक है एनालाइज कर लिया कि इतना ही हो सकता है, नहीं, आप 2-3 साल का उठाइए, 2-3 घंटे दीजिए कम से कम, और वहां से आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं से आपको जो है हिंदी संस्कृत में, अब यहां पर ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि संस्कृत ही आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उसमें मार्क्स भी 30 out of 30 में अच्छे से आते हैं। इंग्लिश की रही बात तो भाई बहुत ही कोई अच्छे से जानता हो वो बात अलग है, मार्क्स तो उसमें भी आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संस्कृत में जो है आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हिंदी का भी पार्ट उसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को उठाइए, वहां पर आप हिंदी और फिर संस्कृत और इंग्लिश इनको अलग अलग लेकर के सॉल्व करने के देखिए कि कितने क्वेश्चन आउट ऑफ आप सही कर पा रहे हो, या लाइव क्लासेस होती हैं जो मैं लेता हूं वहां पर आप अपने आप को गेस करिए कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो। अकॉर्डिंगली आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वहां पर लैंग्वेज टू में लेना चाहिए, बाकी हिंदी जो है वो तो आपका कंपलसरी है ही लैंग्वेज वन में।
आशा करते हैं कि ओवरऑल आपको पता चल गया होगा, और जो सबसे पहले लाइन मैंने बोली थी कि आपको आपसे बेहतर फिलहाल कोई नहीं जानता, तो भाई ध्यान दीजिएगा इस चीज का, वहां से आप जो है अपने आप को एक पहचान सकते हो कि आप में कितनी कुछ कैपेबिलिटी है। आशा करते हैं सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जिससे कि उन्हें भी पता चल पाए कि यहाँ पर लैंग्वेज को चूज करने को लेकर के जब भी बात होती है तो उन्हें कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।